हिंदुओं की आस्था के केंद्र तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में जानवरों की चर्बी पाए जाने से हिंदू समाज आक्रोशित है। भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और संत समाज ने इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद और संत समाज तिरुपति मंदिर के प्रसाद कांड से आंदोलित हैं। इनका कहना है, देश शांति का टापू है, हिंदू भी शांत है, लेकिन ऐसी घटनाओं को लेकर शांत नहीं रहा जा सकता। 77 साल से मंदिरों को लूटने का काम सरकार कर रही है। हमारा धर्म, हमारा दान, फिर नियंत्रण सरकारी क्यों? तिरुपति प्रसाद मामले में सरकार दोषी को फांसी दे, यदि नहीं तो हमको मंदिर सौंप दे। शांत हिंदू हथियार उठाना और दंड देना भी जानता है। संतों का कहना है कि मस्जिद प्राइवेट और मंदिर सरकारी क्यों? मस्जिद में काजी को सरकारी आर्थिक लाभ और सरकार का आधिपत्य नहीं, और मंदिर पर सरकार का आधिपत्य के साथ पुजारियों को कोई सरकारी लाभ नहीं। प्रदर्शन यहाँ पे करने के लिए आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। इसमें मूल हमारा जो है तिरुपति मंदिर में जो हमारा प्रसाद है, जिसको हम ये मानते हैं कि इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद हमारी समस्त बीमारियां खत्म हो जाएगी, हमें मोक्ष प्राप्त होगा। ऐसे प्रसाद में जो ये लोग मिलावट कर रहे हैं, मछली का तेल और गौमांस मिला रहे हैं, उसमें सुअर की चर्बी मिला रहे हैं, ये हिंदू समाज कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। उसी के तारतम्य में आज यहाँ पर सांकेतिक प्रदर्शन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा जा रहा है। भविष्य में यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई और दोषियों को अगर दंडित नहीं किया गया, हम तो मांग करते हैं, पूरा समस्त हिंदू समाज ये मांग करता है कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए, अन्यथा उनको हमारे समाज को समर सौंप दिया जाए। समाज निर्णय करेगा कि उनके साथ क्या व्यवहार करना है, उनको क्या सजा देना है। जी, में तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद में मिलावट की बात सामने आई, निश्चित ही दुखद है। ये हम समग्र हिंदू समाज, सनातन समाज और अहिंसक समाज के लिए अपमान की बात है और बहुत चिंता का विषय है कि हमारे साथ ऐसी, हमारी भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है। सकल जैन समाज भोपाल इस कृत्य की निंदा करती और शासन से मांग करती कि इस जो ऐसा जो दुष्कृत हुआ है, इसके बारे में जाँच की जाए और कहीं दोबारा ना हो, ताकि हमारी भावनाओं से खिलवाड़ ना हो। हम ऐसी मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि दोबारा ऐसा काम ना हो। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।